ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 10 जून को यानी आज है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या बेहद ही खास होती है और इस दिन शनि जयंती भी और इस दिन शनि जयंती होती है। वहीं ये अमावस्या इस बार गुरुवार के दिन यानी आज है, जिसकी वजह से ये और खास हो गई है। दरअसल गुरुवार के दिन आने वाली अमावस्या शुभ फल देती है और इस तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करने से उसका फल जरूर मिलता है। ज्येष्ठ अमावस्या का जिक्र करते हुए ग्रंथों में लिखा गया है कि शनि दोष से ग्रस्त लोगों को इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। न्याय प्रिय ग्रह शनिदेव का जन्म इसी दिन हुआ है और जो लोग इस दिन शनिदेव का पूजन करते हैं उनको कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इस दिन अपने पूर्वजों की पूजा करने से और गरीबों को दान पुण्य करने से पापों का नाश हो जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही वट सावित्री व्रत भी होती है। जो महिलाएं ये व्रत रखती हैं उनके पति की आयु लंबी हो जाती है और सौभाग्यशाली जीवन की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही वट सावित्री व्रत भी होती है। जो महिलाएं ये व्रत रखती है उनके पति की आयु लंबी हो जाती उनकी पति की आयु लंबी हो जाती है और सौभाग्यशाली जीवन की प्राप्ति होती है। वही गुरुवार के दिन यह अमावस्या आने से इसका महत्व और बढ़ गया है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महीने की अमावस्या यदि गुरुवार को पड़ती है तो उसे गुरुवारी अमावस्या कहा जाता है। ऐसी अमावस्या शुभ फल देने वाली होती है। इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और चलिए बताते हैं ज्येष्ठ महीने की अमावस्या पर क्या करें। सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई कर ले, चाहे तो नहाने के पानी में गंगा जल भी मिला सकते हैं। नहाने के बाद पूजा घर की सफाई करें और चौकी की स्थापना कर दें। भगवान की पूजा करें और व्रत रखने का संकल्प धारण करें। सच्चे मन से पूजा करते हुए भगवान से सुख जीवन की कामना करें। पूजा पूरी करने के बाद श्रद्धा अनुसार दान करें। गरीब लोगों को आप कपड़े और अनाज का दान करें। माना जाता है कि अमावस्या के दिन मौन रहने के साथ ही स्नान और दान करने से 1000 गायों के दान करने के समान फल मिलता है। इस दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल भी चढ़ाएं और 108 परिक्रमा करें। ऐसे करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। शनि जयंती भी इस दिन है, इसलिए आप शनिदेव के मंदिर जाकर इनकी पूजा करें और इन्हें सरसों का तेल अर्पित करें। साथ ही में काले तिल भी चढ़ाए। वट सावित्री का व्रत जो महिलाएं रखें वो व्रत से जुड़ी कथा को पढ़ें और वट पेड़ की पूजा करें। हो सके तो सावित्री की कथा इसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ें। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए, चलिए बताते हैं आपको। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या पर ना करें ये काम। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या पर ना करें ये कार्य। चलिए बताते हैं ये कार्य क्या है। इस दिन तामसिक भोजन यानी लहसुन प्याज और मांसाहार खाने का सेवन ना करें। पति पत्नी एक विस्तार क्रोध ना करें और बड़ों से लड़ाई करने से बचें। लालच ना करें और किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बताते हैं आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट रन स्पेशल रिपोर्ट।